और ये हमारा ना व्यू है भाई बैल्कनी से, जस्ट कर सुबह सुबह उठे रूम से ये व्यू आ रहा है भाई, देख लो बंदा क्या करे यार, दिल तो कर रहा है यहाँ जाके समंदर यहाँ में छलांग मारूं नहीं हो सीधा क्वाला 5 मिनटों में, पर नहीं ये व्यू है, सारी आवाम बैठी मेरे साथ, सुबह सुबह उठे रूम से ये व्यू आ रहा है भाई, देख लो बंदा क्या करे यार, दिल तो कर रहा है यहाँ जाके समंदर यहाँ में छलांग मारूं नहीं हो सीधा क्वाला 5 मिनटों में, पर नहीं ये व्यू है, सारी आवाम बैठी मेरे साथ। ट्रिप आठ मुकाम हमने रात को स्टे किया, ये पुल है इधर, ये उधर से जाके तो ऊपर जो है वो मेन रोड जा रहे हैं, 3:30 बजे हम रात को यहाँ पहुँचे थे, अभी जो हो चुके हैं सुबह के तकरीबन 10:30 हो चुके हुए हैं, ठीक है तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर सीधा इंशाल्लाह तावपट पहुँचेंगे। वेदर जो है आपके सामने, बादल हैं और चांसेस हैं कि धूप निकल आएगी, बारिश नहीं होगी, चलें अल्लाह की जैसे करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, डे 2 का हमारे आगाज़ होने वाला है, बाइक्स ये खड़े हुए हैं, ये भाई साहब ऊपर से नीचे आ रहे हैं जी सामान लेके, तो अभी हम इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया था कि नाश्ता वगैरह करेंगे फिर आगे चलेंगे। ये ब्रिज है जी क्रॉसिंग के लिए जो यूज़ होता है, वो पुलिस स्टेशन है। अच्छा यहाँ पे भी ये गंदगी के ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे, खैर ये जगह तो बहुत प्यारी है बट ये देखिए इंतजामिया का काम है, ये भी करना, यही साथ एक ट्रैक जा रहा है ये जो आपको वो एंड तक नज़र आ रहा है दरिया के साथ है जा रहा है, इससे आगे फिर ऊपर जो है वो LOC स्टार्ट है, बॉर्डर लाइन जो आ जाती है, तो अब निकलते हैं हम यहाँ से, नाश्ता करेंगे फिर आगे तावड़ तक जाएंगे, लेट है ऑलरेडी काफ़ी हो चुके हुए हैं, मतलब जहाँ जब से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ तब से हम लेट ही चल रहे हैं, चलें फिर इंशाल्लाह निकलते हैं फिर होती है बात। दिन के बज चुके हैं 12:30 दोपहर के एक्चुअली, और हम केरन वैली के पास ही हैं अभी, तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे सुकून रिजॉर्ट, यहाँ से नाश्ता करके फिर हम आगे निकलेंगे। रोड ट्रिप वालों का ये पहला बाइक टूर है लॉन्ग, तो केरन भाई कैसा फील हो रहा है आपको? बस अच्छा अच्छा जी। अली भाई आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये इनकी नींद नहीं पूरी होती सर की। हाँ जी आज हमारी नींद किसी की पूरी नहीं हुई इसलिए कोई भी टाइम से नहीं निकला, लेकिन अच्छा टूर है अभी हम एंजॉय कर, अभी हमें पता लग रहा है कि हम बाइक टूर रात को कम यार चल रहा है। ये जी चोटी के जो उस पार है वो सारा इंडिया है, चलिए नाश्ता वाश्ता करके आगे निकलते हैं फिर इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि आप फिर अपन ईलन थोड़ा स्टे करें वहाँ घूमे फिरे फिर आगे निकले फिर आप नासिक पास फिर मिलते हैं।
टाइम जी हम मौजूद हैं केरन में, और ये समझ लीजिए दरिया जो है ये LOC है, ये पाकिस्तान है सारा, और ये इंडिया है, और इंडिया के लोग मौजूद हैं वहाँ पे। ये आप देख ही सकते हैं ये पीछे सारी बाजी इंडिया की आ जाती है, पीछे ये इनका फ्लैग पॉइंट है यहाँ पे। और ये दरिया में दरिया भी यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ये देख सकते हैं सामने इंडिया झंडा बड़ा नजर आ रहा है। इट्स अ शेम फॉर अस, वी डोंट हैव अ बिग फ्लैग लाइक दैट। नहीं ये तो छोटा है, ये व्यू है बड़ा प्यारा। देख लिया यार, एक इतनी सी जगह से यहाँ डिफरेंस के दवारियाँ पुल पे मौजूद हैं। ये रास्ता रत्ती गली को इधर से जाता है, और ये सीधा आगे शारदा नूरी टॉप जलकंड और ताव बढ़ जाएगा। यहाँ से रत्ती गली 18 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 16 किलोमीटर जो है वो जीप ट्रैक है, फिर आगे 2 किलोमीटर जो है वो पैदल का रास्ता है। ये जी सात दरिया पैर है, ये जो ऊपर रास्ता है ये रत्ती गली दवारियाँ पुल से बिल्कुल पहले, इससे आगे रोड जो था वो पहले बना नहीं हुआ था, पर अब बन चुका हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली अब समझ गया काफ़ी कम। तो पहले यहाँ से शारदा जाते जाते आपको तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि 27 किलोमीटर का ट्रैक था, बिल्कुल ग्रेवल रोड था, ऑफ रोड था, और उस पर आप मतलब 20-30-40 से ऊपर नहीं जा सकते थे। तो अब ये जो है रोड बन चुका हुआ है आगे, तो चलो अब जाते हैं आगे, फिर आप बताते हैं कहाँ तक रोड बना होगी।
शारजा में रुके हैं, इस समय होटल शोटल सारे बंद हो चुके हुए हैं क्योंकि ये सीजन में एक्चुअली खुले होते हैं। ये जी पुल है शारजा का जो मैंने आपको दिखाया था कि बंद रहा है, आगे ये जी शारजा वैली है, ये रूम वाले भागते हैं, ये रूम चाहिए। अब यहाँ से हम चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं आगे की अपडेट देते हैं कि क्या सीन है।
आसमान के।